यस देखिए, हर्षवर्धन चल रहा था और हर्षवर्धन में हमने पढ़ लिया था कि लास्ट टॉपिक हमने लास्ट पॉइंट हमने पढ़ा था कि हर्षवर्धन की बहन थी राशि और राशि को हर्षवर्धन एक बौद्ध भिक्षु की सहायता से ढूंढकर लेकर आता है। अब देखिए हर्षवर्धन क्या करता है, ही साइन ए फ्रेंडशिप ट्रीटी विद भास्कर वर्मन। कि हर्षवर्धन भास्कर वर्मा जो कहां का राजा था, कामरूप का राजा था। कामरूप किसे बोलते हैं, प्रेजेंट में कामरूप बोलते हैं असम को, ठीक है। तो भास्कर वर्मा के साथ इसने मित्रतापूर्ण संधि की थी। संधि करने रीजन क्या था, संधि करने रीजन क्या था, ओनली जो शशांक था, जो बंगाल शासक था, जिसने हर्षवर्धन के भाई राजवर्धन की हत्या की थी, उसको हराना, उसको पराजित करना इसका मोटिव था। इसीलिए इसने किससे संधि की थी, भास्कर वर्मा से संधि की। और उसके बाद क्या था, ही सेंट ए लार्ज आर्मी अगेंस्ट शशांक। और उसके बाद उसने बहुत बड़ी सेना किसके विरुद्ध भेजी थी, शशांक के विरुद्ध भेजी थी। इन साउथ His army was forced to return from the bank of river Nanda by Pulkesin Second. अब देखिए साउथ में दक्षिण में क्या हुआ कि हर्षवर्धन की जो सेना थी उस हर्षवर्धन की सेना को वापस लौटा दिया, ठीक है, वापस खदेड़ दिया किसके द्वारा, पुलकेसिन सेकंड के द्वारा। कहां से, बैंक ऑफ रिवर नर्मदा। नर्मदा जो नदी है, नर्मदा नदी के किनारे जो पुलकेसिन सेकंड था, इस पुलकेसिन सेकंड ने हर्ष की सेना को वापस लौटा दिया था। अब ये पुलकेसिन सेकंड किस डायनेस्टी का था, यह था चालुक्य डायनेस्टी का, और चालुक्य डायनेस्टी हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है। अपने वंश का सबसे शक्तिशाली राजा था पुलकेसिन सेकंड। तो पुलकेसिन सेकंड ने हर्ष की सेना को नर्मदा रिवर से वापस लौटा दिया। ही वॉज गिवन टाइटल ऑफ महाराज की, हर्षवर्धन था, उस हर्षवर्धन ने टाइटल लिया था, और टाइटल किसका लिया था, महाराजा धीराज का टाइटल लिया था। ही वॉज वर्शिपर ऑफ लॉर्ड शिवा एंड सन। वह किसकी पूजा करता था, वह भगवान शिव और सूर्य की पूजा करता था, कौन, हर्षवर्धन। कन्नौज वॉज द कैपिटल। अब इसकी कैपिटल क्या थी, इसकी कैपिटल थी कन्नौज, जबकि वर्धन डायनेस्टी और पुष्यपुत्र डायनेस्टी की पहली कैपिटल क्या थी, थानेश्वर, ठीक है। और सेकेंड कन्नौज किस बनाई थी, यह बनाई थी हर्षवर्धन ने। बाल भट्ट हु रॉट हर्ष चरित्र। बाल भट्ट एक व्यक्ति थे जो हर्षवर्धन के कौन थे, दरबारी कवि थे। इन दरबारी कवि ने एक बुक लिखी थी जिसका नाम था हर्ष चरित्र। अपने मित्र हर्षवर्धन, बाल भट्ट कौन थे, हर्षवर्धन के मित्र थे, और हर्षवर्धन के चरित्र पर इन्होंने क्या लिखी थी, हर्ष चरित्र लिखी थी। ही यूज टू ऑर्गेनाइज ए बिग सेरेमनी Once in every 5 years. अब देखिए हर्षवर्धन क्या क्या करता था, हर्षवर्धन हर पांचवे वर्ष, मतलब प्रत्येक पांचवे साल वे क्या करता था, एक बहुत बड़ा आयोजन करता था, बहुत बड़े सेरेमनी ऑर्गेनाइज करता था, ठीक है। कहां करता था, प्रयाग में, इलाहाबाद में, ठीक है। यहां पर ये क्या करता था, बहुत ये बहुत बड़ी सेरेमनी हर पांचवे वर्ष ऑर्गेनाइज करता था, ठीक है। किस लिए, दान देने के लिए, एंड मेनी वेलफेयर वर्क, और बहुत सारे कल्याणकारी कार्य करने के लिए यह इस सेरेमनी को ऑर्गेनाइज करता था। कहां पर, प्रयाग में, कब करता था, एवरी 5 years, हर प्रत्येक 5 वर्ष में। द चाइनीज ट्रेवलर वेनसांग, देखिए चाइनीज ट्रेवलर था जिसका नाम था वेनसांग, अटेंड 6 में सेरेमनी ऑफ सच काइंड। और इसी प्रकार की छठी सेरेमनी, ठीक है, हर पांच वर्ष करता था, और इसी प्रकार की जो छठे सेरेमनी थी, ठीक है, तो छठे सेरेमनी किसने अटेंड की थी, यह की थी वेनसांग ने, ठीक है। और वेनसांग देखिए एक नाम आता है आपका फाइयान, तो फाइयान किसके समय इंडिया आया था, फाइयान आया था चंद्रगुप्त सेकंड के समय, जो गुप्त डायनेस्टी का है। बात आती है हेनसांग की, तो हेनसांग किस समय इंडिया आया था, यह आया था हर्षवर्धन के समय इंडिया आया था। तो हेनसांग का दूसरा नाम आता युआन चांग, ठीक है, युआन चांग नाम इसका नाम दूसरा है। और इसके समय राजा कौन था चाइना का, चाइना राजा था तिंग सांग, ठीक है, और तिंग सांग राजा था। और इसी हेनसांग ने हर्षवर्धन को क्या कहा है, हर्षवर्धन को यह शिलादित्य कहता है, कहता है शिलादित्य। हर्ष इसकी बुक थी हेनसांग की जिसका नाम था सीयू की,
फाहियान की बुक का नाम तो क्या था, फोक्यो की, और हर्षवर्धन की बुक का नाम था सीयू की, ठीक है। और सीयू की बुक में इसने हर्ष नाम ना लिखकर इसने हर्षवर्धन का नाम क्या लिखा है, शिलादित्य, ठीक है। कहां का था ये, चाइना का था, उसका सेकंड नाम क्या था, युआन चुआंग। ही कंपोज थ्री प्लेस। अब देखिए, इसने हर्षवर्धन ने तीन रचनाएं लिखी थी, तीन नाटक लिखे थे, नागानंद, रत्नावली और प्रिय दर्शिका। एक नंबर के क्वेश्चन में पूछा जा सकता है कि हर्षवर्धन के द्वारा लिखे गए तीन ग्रंथ या तीन नाटक कौन कौन से हैं, नागानंद, रत्नावली और प्रिय दर्शिका, ठीक है। और ये हुआ आपका हर्ष।